हर काल और हर दौर की छाप रचना प्रक्रिया पर पड़नी लाजमी ही है। आखिर साहित्य समाज का दर्पण जो है, यह बात 100% कहानी पर भी लागू होती है। कहानी पर बात करते समय उसके व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं पर बात करना, उन्हें समझना बेहद जरूरी हो उठता है। इस डॉकूड्रामा में हम नई और समकालीन कहानियों में से 3 को चुनकर मौजूदा संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता पर विचार करेंगे। इन 3 कहानियों का केंद्र बिंदु एक ही है, स्त्री अस्मिता का संघर्ष। यह संघर्ष आजादी के पहले और आजादी के बाद विभिन्न परिस्थितियों के जरिए इन कहानियों में, इन रचनाओं में उजागर हुआ है। हिंदी कहानी की शुरुआती दौर की सबसे महत्वपूर्ण कृति है 1907 में प्रेमचंद द्वारा रचित सोजे वतन। तब से लेकर आज तक हिंदी कहानी लगभग 98 साल का लंबा सफर तय कर चुकी है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द कायम करने, नफरत व अविश्वास की भावना को कम करने के मकसद से सोजे वतन की रचना की गई थी। प्रेमचंद की इसी परंपरा का निर्वाह अनेक कहानीकारों ने किया है। उनमें प्रमुख हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भैरव प्रसाद गुप्त, विष्णु प्रभाकर, उपेन्द्रनाथ अश्क, अमृत राय, अमृतलाल नागर आदि। इन सभी की रचनाओं में तात्कालीन समाज की उथल पुथल के साथ साथ सामाजिक बदलाव की जबरदस्त छटपटाहट नजर आती है। आजादी के साथ हुए विभाजन को भारतीय समाज की सबसे त्रासदायक अध्याय के रूप में माना जा सकता है। इस दौर में न सिर्फ भौगोलिक स्तर पर विभाजन हुआ, बल्कि समस्त मानवीय मूल्यों, सपनों, आशाओं, आकांक्षाओं के टूटने, बिखरने और जड़ से उखड़ने का दंश सबको झेलना पड़ा। कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया में बूढ़ी शाहनी को भी इसी दर्दनाक त्रासदी से गुजरना पड़ा। ये जब कहानी लिखी गई थी तो बंटवारा हो चुका था, आजाद हो चुके थे हम, बंटवारा हो चुका था, लोग अपनी अपनी जगह से उठ गए थे, उखड़ गए थे, मर कट रहे थे। इसके बावजूद कहीं कुछ ऐसा था हम लोगों के मन में कि वो जो मूल्य हैं, जो इंसानियत की कदरें हैं, जो मानवीय मूल्य हैं, वो कहीं न कहीं आपको नजर आ रहे थे। ऐसा संहार हुआ, आगजनी, लूटमार, सड़कें, सड़कों के ऊपर लोग मरे हुए पड़े हुए हैं, कत्ल और गाड़ियां कटी हुई आ रही थी। ऐसे में कहीं एक और घटना जहां किसी ने किसी को बचा दिया हो, वो अचानक बहुत ही अहम होती थी। इस कहानी का एक पात्र है शेरा, जिसे शाहनी ने बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाला पोसा, बड़ा किया। सांप्रदायिक विद्वेष का शिकार होकर एक बार तो वह उसकी हत्या तक करने की सोचता है, लेकिन कर नहीं पाता। सांप्रदायिक उन्माद के ऊपर भारी पड़ता है भावनाओं का आवेग। ये लो शेरा, इससे काम तमाम हो जाएगा, जो माल पानी है वो आपस में बांट लेंगे। भगवान नारायण नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण भगवान नारायण नारायण, जय गणेश भगवान नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शेरे शेरे कौन है? उठ जानी। हाँ दूध पी ले। शेरा
कुल्लूवाल से कुछ लोग आए हैं, जरूर कुछ दंगा करेंगे। कुल्लूवाल से? नहीं तो। ये जो कुछ हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। शानी, मैंने घातक तो छोड़ दिया है, वक्त बदल रहा है, दरवाजा भेड़ कर बैठना। अजिया खावारस शानू कि तू कबरां विचों बोल, अज किताबे इश्क दा कोई अगला वरका फूल। इक रोई सीती पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैण, अज लखा तिया रोंदिया तैनु वारस शानू कहण। उठ दर्द मदा दिया दर्दिया। शानी, शानी सुना है यहां ट्रके लेने आती हैं। ट्रके? कौन है वहां पे? तो सुले मौलवी साहब और पटवारी जी आए हैं। शानी, शायद रब को यही मंजूर था। ना ऐसा देखा ना कभी ऐसे सुना। कुछ साथ रखना चाहो तो रख लो। कुछ बांध लिया है? सोना चांदी? दाऊद खां, मेरा मतलब कुछ तो साथ होना चाहिए, कुछ नकदी ही सही। सोना चांदी ये सब तुम्हारे लिए है, मेरा सोना चांदी तो जमीन में बिछा है। अकेली हो, वक्त बहुत खराब है, कुछ नकदी तो रख लो। मुझे इस घर से नकदी नहीं प्यारे, ये नकदी वकदी सब आपके, कुछ नहीं चाहिए। देर हो रही है खान साहब। तरती लहू वसिया ते कबरां पईयां चोण, प्रीत दियां शहजादियां हाय मजारां विचों रोण। अज सबे कैदो बन गए, हुसन इश्क दे चोर, अज कित्थों लाये लब के कोई वारस शायक होर, अज कित्थों लाये रब के कोई वारस। मैं शानिया की बात करूं, वो मेरी नानी माँ थी, और अपनी दादी माँ की बात करूं तो वो भी इसी तरह गांव में से नहीं, अपने फॉर्म में से एक गुरुद्वारे में उन्होंने शरण ली आधी रात को, लेकिन किसकी मदद से जो उनके यहाँ लोग काम करते थे। ये मेरी नानी माँ, इन्होंने ये इरादा बना लिया था कि मुझे अपने घर से हिलना नहीं है, मुझे जाना नहीं है। अगर मुगल वक्तों में भी हम लोग यहीं रहते रहे, पठानों के वक्तों में रहते रहे, अंग्रेजों के वक्तों में रहते रहे, तो अब क्यों नहीं, जो भी हुकूमत होगी हम यहीं रहेंगे। और एक दिन अचानक उनको जो उनके मुजाहरे थे
जो जमीनों पे काम करते थे वो लगातार कुछ संकेत देते थे। रात को आवाजें आती थी और फिर भी जो शानी है उसने अपना मन, अपनी हवेली, अपना घर, अपनी जमीनें छोड़ने का नहीं बनाया। जब भी इस किस्म की चीजें होती हैं, युद्ध, लड़ाई, आपस के झगड़े, दंगे, फिसाद, उसमें औरतें जो हैं उनको सबसे ज्यादा तकलीफ दी जाती है, चोट पहुंचाई जाती है। स्त्री अक्सर भावात्मक रूप से अपने गांव से, अपने परिवार से, अपने खेतों से, अपनी फसलों से, नदी से, ऐसी चीजों से, कहूं कि सारी प्रकृति से जुड़ी रहती है। लेकिन शाहनी उस घर को छोड़ देती है, छोड़ देती है उस बहादुरी के साथ जैसे आगे मंजिल कहां होगी ये उसके उसको इतना सोचने की जरूरत नहीं होती। आगे मैं कहां जाऊंगी ये भी जरूरत नहीं होती। वो सोचती है जो यहां था ये तो मैं छोड़ ही चली, लेकिन मेरा अपना स्वाभिमान मेरे साथ है। आजादी के बाद जहां एक तरफ विकास शुरू हुआ, वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में भ्रष्टाचार और कालाबाजारियों ने अपना जाल फैला दिया। सामंती और पूंजीवादी ताकतें पहले की तुलना में कई गुना शक्तिशाली हो गई। इसके चलते आम जनता की आकांक्षाएं और सपने मोहभंग का शिकार हो गए। नवयुवकों में लगातार बढ़ती लालसा की प्रवृत्ति को बखूबी बयां किया है भीष्म साहनी ने अपनी कहानी चीफ की दावत में। इस कहानी में एक तरफ महज फालतू सामान में तब्दील हो चुकी मां अचानक ही अपनी परंपरा की धरोहर की बदौलत अपने बेटे की उन्नति का कारण बनती है। व्यक्तिवादी प्रवृत्ति की इंतहा देखिए कि वह अपनी मां को भी अपने विकास के लिए एक सीढ़ी बनाने में जरा भी हिचकिचाती नहीं है। अरे मां भी तो है, उसका क्या करें? अरे हाँ, ऐसा करते हैं पीछे उनकी फ्रेंड का घर है ना, वहां भेज देते हैं, रात भर वहीं रह लेंगी, सुबह तक लौट आएंगी। नहीं बाबा, वो बुढ़िया रोज फिर से आने लगेगी। क्यों ना मां से कहें कि वो जल्दी खाना खाकर सो जाए। हाँ ये ठीक रहेगा, लेकिन उनके घर आते उसके बारे में तो तुम जानते ही हो, और उनका कमरा तो बरामदे के साथ में ही है जहां हम खाना खाएंगे। यू आर राइट, मैं कुछ करता हूं। आओ बाबा बैठो। ठीक है मां, जैसा मैंने कहा है वैसे ही करना। ठीक है मैं चलता हूं। आप बताइए उसकी जो मर्जी आएगा। थैंक यू सो मच। ये भी आपके मायके से है? नहीं। अरे वो मैं बस ये कह रहा था कि किराड़ा से का जो प्रोजेक्ट है ना उसमें बहुत इंटरेस्ट। हाँ सर, आई शैल हेल्प हिम। एक्चुअली आई हैव नॉट डिसाइडेड एनीथिंग इज येट, लेकिन आप एक काम करो, यू मीट मी टुमारो एट 11 o'clock। खा लीजिए। आइए सर प्लीज। आइए आप। आइए। ओह जी माँ, माँ ये क्या कर रही? जाओ अंदर जाओ। माधा। यस सर। नमस्ते। नमस्ते। बहुत शर्मीली है मेरी माँ। यू नो शी इज फ्रॉम विलेज सर। रियली? गांव की माँ जी, मुझे गांव के गीत और गांव का नाच बहुत अच्छा लगता है। सर बैठिए ना। थैंक यू। माँ जी मुझे कोई गांव का अच्छा सा गीत सुनाइए ना। गीत? माँ हाँ माँ, कुछ सुना दो ना, कोई पिंड का गाना सुना दो। बेटा बहुत देर हो गई, मैं तो भूल भुला गई।
प्लीज फॉर माई सेक आई वुड लव इट प्लीज। माँ ये हमारे मेहमान है, कुछ भी सुना दो, कुछ गांव का गीत सुना। सुना रहे माँ? माँ सुना रही है। रियली प्लीज। पापुल कर्म करें ते आवे मैनु रख ले आज दी रात वे की कन रख बेटी है मैं तो सजन सदा ले आपनी आगे मैं भूल गई बेटा। Oh, that was really wonderful. Thank you. बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे थैंक यू। अब पंजाब की क्या खास चीज है, क्या चीज वहाँ की बहुत अच्छी है? सर मैं आपको भेंट करके दूंगा। नो 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 आई डोंट वांट इट फ्रॉम शॉप्स। वो कुछ हैंडीक्राफ्ट या वहाँ का खास कुछ अपना अंदाज। अच्छा 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 हाँ गाँव में जो महिलाएं होती है ना सर वो कुछ जैसे ये है ना सर ये बनाती है, इसे फुलकारी कहते हैं। देखिए हाँ सर फुलकारी ये तो पुरानी हो गई सर, लेकिन मैं आपको नई बनवा के दूंगा, माँ बना के देगी। रियली माँ ब्यूटिफुल थैंक यू माँ बना के देगी, माँ बनाएगी। हाँ बोलिए हाँ सर आइए खाना खाते आइए आइए कहते हैं ना आज के भी संदर्भ में अगर हम देखें जब पंचायती राज लागू हुआ है कि स्त्री जो है बाहर के फैसले तो कर सकती है लेकिन उसे घर में अपने जद्दोजहद दिखाना बड़ा भारी पड़ता है। ये कहानी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर हम इसे एक स्त्रीवादी नजरिए से देखें तो मां यहां पर एक मनुष्य के रूप में देखी गई है। चाहे स्त्री सेक्सुअली एक्टिव हो ना हो, चाहे वो पुरुष की पार्टनर हो ना हो, उसकी मनुष्यता इस पर नहीं निर्भर है। विष्णु जानी के यहां नई कहानी के दौर में स्त्री के इस रूप को ही स्वीकार करने की जो परंपरा थी या जो ललक थी उससे बहुत दूर हटकर एक मानवतावादी दृष्टिकोण से विष्णु साहनी ने मां जैसे चरित्र को पहचाना है। आजादी के बाद हुए विकास के बारे में बात करते हुए अचानक यह सवाल जहन में कौनता है कि आखिर दलितों के लिए इस आजादी के मायने क्या हैं? हकीकत तो ये है कि तमाम तरह के बदलावों को आत्मसात करने वाला हमारा भारतीय समाज न तो जाति व्यवस्था को बदल पाया है और न ही ऐसी कोई तमन्ना उसके भीतर नजर आती है। सामंतवादी, ब्राह्मणवादी और वर्ण वर्चस्ववादी विचारों को ढोने वाली हमारी भारतीय जाति व्यवस्था ऐसी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नजर नहीं आती है। जन्म से ही अछूत समझे जाने वाले दलित के दंश को सिर्फ वही समझ सकता है जो इसे भोग रहा है। आज दलित साहित्य ऐसे ही बजबजाते अनुभवों को बयां कर हमारे सामने समाज के कुरूप चेहरे को उजागर करता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी यह अंत नहीं, व्यापक दलित समाज के उत्पीड़न, शोषण और अपमान की दास्तां बयां करती है और हमें मजबूर करती है उस दमनकारी और भेदभावपूर्ण व्यवस्था के बारे में सोचने पर जो दलितों को नारकीय जीवन की ओर ढकेल रहा है। हाल के वर्षों में बढ़ती साम्राज्यवादी, फांसीवादी और जातिवादी प्रवृत्तियों ने दलितों के भविष्य को और भी अधिक अंधकार में बना दिया है। ऐसे में दलित स्त्री के ऊपर उत्पीड़न की घटनाओं में इजाफा हुआ है। वह कभी स्त्री होने के नाते तो कभी गरीब और दलित होने के नाते इन जातिवादी प्रवृत्तियों की हवस का शिकार हुई है। यह अंत नहीं है कहानी बिरमा की कहानी है। इस कहानी के पीछे जो पृष्ठभूमि है वो है मीनाक्षीपुरम में घटित घटना। तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम में एक दलित लड़की के साथ जो भी हुआ और उसके बाद जो पूरे गांव में घटना घटित हुई उससे ये साफ हो जाता है कि पंचायत राज दलितों के लिए किसी भी मायने में उनके पक्ष में नहीं जाता, उनके विरोध में जाता, शोषण का हथियार बन जाता है। इसी तरह से दलितों में एक जागृति पैदा होती है और वो जागृति के रूप में बिरमा का कैरेक्टर का चरित्र हमारे सामने आता है। हाँ भाई दलितों के वकील यार जब भी अपने गांव आता हूं ना तो यही महसूस करता हूं कि हम दलित थे, दलित हैं और दलित ही रहेंगे। अब ऐसा नहीं है यार किशन। कैसा नहीं है? अब जमाना बदल रहा है,
हम अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो रहे हैं। बकवास है ये, राम प्रसाद की जमीन छीन ली उन ठाकुरों ने। अरे तुम लोग हमेशा लड़ो क्यों हो? अरे लड़ नहीं रहे, हम बातें कर रहे हैं। इसको तो हमारे गांव में लड़ाई कहते हैं। हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं बिरमा, आत्मविश्वास की बात कर रहे हैं। आत्मविश्वास? हाँ देख, जब कोई मुश्किल काम तो आसानी से कर लेती, तुझे कैसा लगता है? बहुत अच्छा है ना? यही आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास? हाँ। अच्छा, काश बापू ने मुझे भी स्कूल भेजा होता तुम्हारी तरह। तू पढ़ेगी? हाँ। ले तेरी पहली स्टूडेंट। अरे इतनी भारी गठरी लेके कहाँ जा रही है तू? ला मैं तेरा थोड़ा वजन कम कर दूँ। कहाँ रहा? ला ला। अरे कहाँ ला? हट तेरा बच्चा। हट कहाँ ला? हट कुत्ता। सुन सुन तो। बेटा वो ऊंचे लोग हैं, हम उनका कुछ ना कर सके। तू इतना ना भी फर बेटा। बेटा जो हो गया सो हो गया, ये भी तो बात घर में है, गांव में फैल गई तो तेरी इज्जत पे दाग लग जाएगा। अरे घर में ही रहने दे। मैं ना मानू। अरे मना इसे। मना तो रही हूं। अक्सर ये कहा जाता है कि शोषण और ये सब दलित स्त्री के साथ ही क्यों होता है। इसके पीछे वजह है कि दो तरह की चीजें हैं, एक है सामाजिक स्तर, दूसरा है उसकी जीविका। सामाजिक स्तर पर वो चूंकि लगातार एक शोषण का शिकार इसलिए हुई कि उसे समाज में उसे एक मनुष्य की तरह से नहीं गिना गया, और जीविका के स्तर पर उसे हमेशा बाहर जाना पड़ता, अकेले जाना पड़ता है, असुरक्षित होती है। भैया उठो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करना। तो फिर थानेदार साहब, आप रिपोर्ट क्यों नहीं लिखते? अरे ज्यादा शाणे बनने की जरूरत नहीं है, मामूली सी छेड़छाड़ हुई है, कोई बलात्कार तो नहीं हुआ, क्यों बात का बतंगड़ बना रखा है? मैं सब समझता हूँ तुम इस गांव के अंदर घटिया राजनीति फैलाकर इस गांव की शांति भंग करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारी ये बदमाशी चलने नहीं दूंगा। चलो बार कोई रिपोर्ट बाहर नहीं, अरे बाहर निकाल इनको, यही काम रहेगा हमारे पास, रिपोर्ट। न्याय पाने की एक और कोशिश के तहत बिरमा के भाई ने सरपंच को भी अर्जी दी, मगर पंचायत में बिना कोई जांच पड़ताल किए ही अपराधी पर सिर्फ 5 रुपए जुर्माना लगाकर उसे छोड़ दिया। तू क्या समझता है पंचायत हमें फांसी पे चढ़ा देगी? जाके उन शरीर फंगों से कह दे कि गांव में राजनीति न फैलावे वरना अंजाम बुरा होगा। हाँ कल को कोई उल्टा सीधा हो गया तो हमें दोष मत देना। जा।
किसान मैसे खाता रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। तूने थानेदार को रिपोर्ट क्या लिखाई? अरे बापू बापू सुने, अरे नहीं बापू बापू सुने, पंचायत पर दे क्या दी बापू? मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो बापू, अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए बापू, अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए इंसाफ मांगना कोई गुनाह नहीं है। बापू इतना क्यों भी भर रहे हो? जो भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए लड़ रहे हो उस पर इतना गुस्सा कर रहे हो, और जिसने खेत में देसी की उसको कुछ ना कह सके? अरे दुनिया इतनी जालिम है और हम इतने मजबूर। बापू बापू हमारे पास ताकत नहीं है तो क्या हुआ? हम अपनी जान देकर अपना सम्मान तो बता सकते हैं ना। भैया इसे हार ना मानना, जे अंत ना है। तुमने मेरे में विश्वास को जगाया ना, मैं तो लड़के ही रहूंगी। अभी लड़ाई जारी रहेगी, अंत तो हम बताएंगे कि क्या होगा। स्त्री तय करेगी कि अंत क्या होगा। आज जब एक स्त्री दफ्तरों में काम कर रही है, कारखानों में काम कर रही है, दूसरे क्षेत्रों में काम कर रही है, फिल्मों में काम कर रही है, लेकिन उसके प्रति जो नजरिया है उस नजरिए में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है। उस नजरिए को बदलने की जरूरत है और इसके लिए स्त्रियां लगातार काम कर रही हैं कि उनके प्रति नजरिया बदले, और ऐसा लेखन भी हिंदी में आ रहा है। इन तीनों कहानियों में लगभग स्त्री शरणार्थी इस रूप में है कि जो उसकी पहली जमीन थी वो छूट गई। चीफी दावत में भी यह है कि वो जो मालकिन रही थी कभी, जिसने घर चलाया था, अपने गहने बेचकर जिसने बच्चे को पढ़ाया, वो अब अनवांटेड हो गई है। तो एक झूठी मध्यवर्गीय नौकरी पेशा आदमी की जो आकांक्षाएं और जिस तरह से वो बढ़ता है तो अपनी जड़ों से कटता है। चीफी दावत में जो मां है वो एक तरह से जड़ की प्रतीक है। तीसरी कहानी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कहानियां दोनों जो पिछली हैं उन जगहों पर हैं जहां ये लोग अपनी अपनी पोजीशन में जहां हैं वहां इनकी कीमत नहीं रह गई है। ये अकेली कहानी है जो भविष्य की बात करती है। दो दूसरे तरह का साहित्य अब समाज में है, एक स्त्री साहित्य, स्त्री चेतना का साहित्य, और दूसरा दलित साहित्य। और ये दोनों ही तरह का साहित्य या कहानियों में जो हम चूंकि कहानी बात कर रहे हैं, इन दोनों तरह की कहानियों में अब आप पाएंगे कि एकदम बदला हुआ स्वर है, और वो इंडिविजुअलिस्टिक होते हुए भी सामाजिक है। ये जो समन्वय हुआ है ये हिंदी कहानी को कहां ले जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि हिंदी कहानी जिस तरह से अब तक यथार्थ के प्रति, सत्य के प्रति सजग रही है, जिस तरह से फॉर्म के प्रति आधुनिक रही है, उसी उन्हीं सब चीजों को लेते हुए वो समाज में एक नए किस्म की मुक्ति का सपना रचेगी।